नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 है उसका बच्चों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट, जो प्लांट का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है वो दो टू पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों, रूट में और सेकंड क्या बच्चों इसका स्टेम, रूट एंड स्टेम। तो कोई भी प्लांट्स होंगे बच्चों इसके दो टू पार्ट्स होंगे, जो अबोव द सरफेस होगा जो सरफेस से ऊपर होगा उसको बच्चों स्टेम बोल देंगे, जो बिलो द सरफेस होगा उसको बच्चों क्या बोल देंगे रूट बोल देंगे। प्लांट्स के दोनों ही पार्ट्स क्या बच्चों प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रूट एंड इट्स फंक्शन। रूट क्या काम करता है बच्चों, काम कैसे किस तरीके क्या क्या फंक्शन है इसके डिस्कस करने वाले। रूट क्या करता है बच्चों, किसी भी प्लांट्स को एंकर, एक एंकर काम करता है बच्चों, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसको जमीन पे और रहने के लिए खड़ा रहने के लिए। कौन प्रोवाइड करेगा बच्चों इसका, रूट प्रोवाइड करेगा। एंकरिंग प्लांट्स को जमीन के अंदर खड़ा रहने में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। स्ट्रेंथ उसको सीधा खड़े जमीन से अटैच करने में क्या करता है, हेल्प करता है। होल्ड जमीन पे होल्ड रखता है बच्चों उसका। ठीक है, और जमीन के अंदर से बच्चों जो वाटर है मिनरल्स है उनको क्या करता है बेटा, ये अब्सॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। यदि बच्चों बात करते हैं टाइप ऑफ रूट, रूट के बच्चों टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ रूट। तो रूट का बच्चों टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टैप रूट, सेकेंड है बच्चों आपका फाइबरस रूट। फाइबरस रूट टैप रूट, रूट के अंदर बच्चों क्या होगा, तो प्राइमरी रूट भी होगा आपका और एक क्या होगा बच्चों आपका सेकेंडरी रूट होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या बच्चों, जैसे बच्चों आपको कोई ये प्लांट्स है ये बच्चों से क्या है रूट्स है इस तरीके से। ठीक है, दीज रूट्स वेन फर्दर डिवाइडेड, ये रूट्स क्या बच्चों आपके जब फर्दर डिवाइड हो जाते हैं तो इनको बच्चों क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स। जो ये ब्रांचेस है बच्चों इनकी, ये तो क्या है आपके सेकेंडरी रूट्स हैं और दीज वर प्राइमरी प्लांट, ये क्या बच्चों आपकी प्राइमरी रूट्स हैं। तो जब किसी प्लांट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के, प्राइमरी है उसके बच्चों बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो उसको बच्चों क्या बोलेंगे, टैप रूट्स बोलेंगे। फाइबरस क्या बच्चों आपका, जैसे ये आपका प्लांट्स है यहां से बच्चों ग्राउंड से बिलो ही इस तरीके से है ये हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चों इसके कोई भी सेकेंडरी पार्ट नहीं है, दे हैव ओनली प्राइमरी पार्ट, यहाँ पे सिर्फ क्या पार्ट है प्राइमरी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बच्चों आपका प्राइमरी और सेकेंडरी भी है और यहाँ पे क्या बच्चों आपका ओनली प्राइमरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बच्चों जो टैप रूट्स हैं मोस्टली आपको जो मैंगो है नीम है उनके अंदर मिलता है, ये बच्चों आपका ग्रासेस के अंदर मिलता है, ग्रासेस है ये आपके हर सरप्स हैं ज्यादा से उनके अंदर मिलता है बच्चों। ठीक है, तो टाइप ऑफ रूट के हिसाब से आपका टैप रूट है और फाइबरस रूट है। यदि बात करते हैं बच्चों फंक्शन की, प्लांट जो रूट है उसके फंक्शन क्या होते हैं, तो पहला फंक्शन पढ़ा बच्चों ने प्लांट को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, देखो बच्चों जमीन के अंदर है बच्चों तो जमीन के अंदर से प्लांट को क्या मिलेंगे, वाटर और मिनरल्स मिलेंगे, तो ये क्या करते हैं बच्चों एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगे बच्चों ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों ने पता है कोई भी प्लांट है प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना खाना कंप्लीट कर बनाता है, और खाना बनाने के लिए बच्चों किसकी जरूरत होगी, वाटर की और मिनरल्स की जरूरत होगी, और वाटर और मिनरल्स कहां से मिलेंगे बच्चों बिलो दी सरफेस मिलेंगे, और वहां पे कौन लेके आएगा बच्चों इसके रूट्स लेके आएंगे, कौन प्रोवाइड करेगा इसको, तो रूट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बच्चों इसका प्रोवाइड को एंकर करते हैं सपोर्ट करते हैं, दे प्रोवाइड प्लांट सपोर्ट, क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चों सपोर्ट करेंगे। जो रूट्स होते हैं बच्चों आपके कुछ प्लांट होते हैं आपके लिग्यूमिनस होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स रूट्स कैसे होंगे बच्चों आपके कुछ प्लांट होते हैं जो लिग्यूमिनस होते हैं, लिग्यूमिनस का मतलब होता है बच्चों आपके फलीदार पौधे, वो पौधे जिनको फली लगती है,
तो उन पौधों की जड़ों में जहां पे आपकी रूट्स हैं इनकी जड़ों में बच्चों कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया कहते हैं बच्चों को फूड प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है और बदले में प्लांट उसको क्या करता है बच्चों रहने के लिए जगह देता है। तो यूनिविनियस प्लांट्स वो होते हैं बेटा जो किसी जिसके फली लगती है जो फूड और शेल्टर क्या करते हैं बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं शेयर करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों इसका दे हेल्प टू स्टोर फूड। रूट्स के अंदर क्या करते हैं बच्चों में खाना स्टोर करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं अपना खाना रूट्स के अंदर क्या करते हैं स्टोर करते हैं। तो फर्दर वी यूज दिस फूड टू आवर सेल, हम अपने आप कंज्यूम करने के लिए उसको यूज करते हैं। जैसे आपका रेडिश है जो जड़ों से जिनसे हमें खाने की चीजें मिलती हैं, जैसे मैंगो का तो बड़ा फ्रूट लगता है लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जिनके जड़े खाते हैं तो जड़ों में क्या होता है उनको खाना स्टोर होता है। ठीक है, रूट्स क्या करते हैं बच्चों सोयल इरोजन में भी हेल्प करते हैं, सोयल इरोजन को कंट्रोल करने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। सोयल इरोजन क्या होगा बच्चों आपका द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज रिमूव्ड रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एयर और वाटर। जो जमीन की ऊपर वाली लेयर है यदि वो किसी कारण से रिमूव हो जाती है उसको बच्चों क्या बोलते हैं सोयल इरोजन बोलते हैं। लेकिन प्लांट्स हैं आपके जो जड़े हैं वो सोयल इरोजन कंट्रोल करने में क्या करते हैं बच्चों हेल्प करते हैं। दे बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ सोइल्स टुगेदर, जो सोइल के पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा बाइंड अप करने में क्या करते हैं बच्चों हेल्प करते हैं।